हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड हिट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज शी हल्क अटॉर्नी ऑफ लॉ के सेकंड एपिसोड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा कि कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से जेन हल्क बन जाती है, पर वो ब्रूस से ट्रेनिंग छोड़कर वापस अपनी लाइफ में लौट जाती है और काफी समय बीत जाता है और वो कहती है कि वो कभी हल्क नहीं बनेगी। पर तभी कोर्ट रूम में एक मॉन्स्टर लेडी जिसका नाम टाइटेनिया है आ जाती है और सबको मारने लगती है, और जेन को सबको बचाने के लिए हल्क में कन्वर्ट होना ही पड़ता है। अब चलिए आगे की कहानी देखते हैं। दूसरे दिन न्यूज दिखाई जाती है कि टाइटेनिया, जिसके पास सुपर पावर है, वो कोर्ट से भागने की कोशिश करती है और जेनिफर वॉल्टर यानी कि जेन एक हरे शरीर में कन्वर्ट हो जाती है और सबको बचा लेती है, और लोग इस नए सुपर हीरो को शी हल्क नाम देते हैं क्योंकि यह हल्क की तरह ही होती है। अब दिखाया जाता है कि जेन अपनी सहयोगी के साथ अंदर होती है और बाहर सभी लोग शी हल्क चिल्लाकर उसे अप्रिशिएट कर रहे होते। जेन को ये नया नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब वो अपनी दोस्त को लेकर एक बार में जाती है और वो भी शी हल्क के रूप में। तभी वहाँ डेनिस आता है जो कि उसके अपोनेंट लॉयर है और कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। डेनिस को लगता है कि जेन जानबूझकर शी हल्क के रूप में सामने आई ताकि उसे पब्लिसिटी मिल सके, पर जेन की दोस्त डेनिस को वहाँ से भगा देती है। जेन कहती है कि उसे सुपर हीरो नहीं बनना। वो कहती है कि सुपर हीरो बनना अरबपतियों, पढ़ाई छोड़ो और अनाथ जवानों का काम है। शायद उसका इशारा टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और स्टीव बूजर की तरफ होता है। तभी जेन का बॉस वहाँ आ जाता है और उसे कहता है उसे कुछ बात करनी है। जेन हल्क के रूप में है इसलिए वो अपने बॉस से काफी लंबी होती है। बॉस उसे वापस जेन बनने के लिए कहता है और वो वापस जेन बन जाती है और अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाती और नीचे गिरने लगती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा शराब पी ली है। जेन की बॉडी उसे संभाल नहीं पाती जबकि हल्क के रूप में उसे ज्यादा शराब का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बॉस उससे कहता है कि वो ये केस हार गए हैं क्योंकि जेएलके एनएच ने इस केस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। जेन का बॉस बताता है कि उनका कहना है कि जेन ने शी हल्क बनकर जूरी मेंबर की जान बचाई, इसलिए जूरी ने जेन के हक में फैसला दिया है। अब जेन का बॉस उसे कहता है कि वो उसे जॉब पर नहीं रख सकता और वो उसे जॉब से निकाल देता है, और यहाँ से जेन की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। अब सुबह जेन को ब्रूस का एक रिकॉर्डेड मैसेज मिलता है जिसमें वह उससे मिलने के लिए बोलता है। अब जेन नई नौकरी की तलाश में सभी जगह जाती है, पर उसके इस हादसे के बाद कोई भी उसे जॉब नहीं देना चाहता, वो हर जगह रिजेक्ट होती जाती है। अब सीन बदलता है और जेन के घर पर वो और उसकी फ्रेंड फिर जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तभी जेन को उसके मॉम का मैसेज मिलता है जिसमें उसे एक फैमिली डिनर में बुलाया गया है। रात होती है और वह अपने मॉम डैड के घर जाती है। सभी वहाँ डिनर करते हैं, पर वहाँ जेन की जॉब को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिससे वो अपसेट हो जाती है। उसके फादर समझ जाते हैं कि जेन को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो जेन को लेकर एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। जेन अपने फादर को बताती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उसे लगा था कि वह खुद को हल्क बनने से रोक लेगी, पर हालात ही ऐसे हो गए कि उसे ऐसा करना पड़ा। वहाँ उसके फादर उसे समझाते हैं कि वह खुद को ब्लेम ना करे। अब जेन एक बार में बैठी है, वह शराब पी रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, उसका नाम हॉलीवे है और वह GLKNH का मेंबर है, और उसी ने जेन के केस को इलीगल डिक्लेयर किया था। वो जेन से कहता है कि वह उसे एक जॉब देना चाहता है, पर जेन को विश्वास नहीं होता कि उसी ने जेन को जॉब से निकलवाया था। वो जेन को एक नई डिवीजन की हेड बनाना चाहता है। जेन उसे जॉब के लिए हाँ कह देती है। अब जेन उसके ऑफिस पहुँचती है जहाँ मिस्टर हॉलीवे उसे मिलते हैं। वो बताते हैं कि सुपर पावर वाले लोग आजकल हर तरफ दिखने लगे हैं और इसलिए एक नया डिवीजन शुरू किया गया है जिसका नाम है सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन, और वो चाहता है कि जेन इस डिवीजन की हेड बने पर शी हल्क के रूप में। पहले तो जेन कुछ संकोच करती है पर फिर वह मान जाती है। अब उसे ऑफिस और बोर्ड में शी हल्क के रूप में ही रहना होगा। वह शी हल्क बन जाती है। वहाँ सभी लोग उसे अजीब ढंग से देखते हैं। मिस्टर हॉलीवे जेन को उसके ऑफिस में ले जाते हैं और जेन अपनी फ्रेंड को वहाँ असिस्टेंट एडवाइजर रखती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है, उसका नाम पग है और वह इसी डिपार्टमेंट में है, और जेन को उसकी वेलकम किट देता है। अब जेन मिस्टर हॉलीवे के कैबिन में है और वे जेन को उसका पहला केस देते हैं, एमिल ब्रॉन्स्की का। ये सुनकर जेन चौंक जाती है। मिस्टर हॉलीवे बताते हैं कि वो कई सालों से एक ही जेल में सजा काट रहा है। जेन कहती है कि वो ये केस नहीं ले सकती। दरअसल ये वही व्यक्ति है जिसने हल्क फर्स्ट में हल्क को मारने की कोशिश की थी, और इसलिए जेन ये केस लेने से मना कर देती है। ब्रूस उसका भाई है और अब उसे अपने भाई के दुश्मन को ही जेल से रिहा करवाने का केस मिलता है।
हॉलवे प्लॉन्स्की का साइन किया हुआ एनओसी दिखाता है, जिसमें उसे जैन के केस लड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद भी वह केस लेने से मना कर देती है, पर उसका बॉस उसे कहता है कि अगर वो केस नहीं लेती तो उसकी जॉब चली जाएगी। अब जैन ब्रॉन्स्की से मिलने उसकी जेल जाती है। वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है क्योंकि वो एक बेहद खतरनाक कैदी है। ब्रॉन्स्की का दूसरा नाम अबोमिनेशन है क्योंकि वह भी रूप बदलकर एक भयानक मॉन्स्टर बन जाता है। ब्रॉन्स्की कहता है कि अब उसने अपने शरीर और मन पर कंट्रोल पा लिया है और इसलिए अब वो अबोमिनेशन नहीं बनता और ना ही बनना चाहता है, और वो एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है। वो पहले रॉयल मरीन कमांडर था जो US गवर्नमेंट के लिए काम करता था। वो जैन से कहता है कि ब्रूस से उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और उसे मारने की कोशिश उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर पर की थी। अगर आप हल्क की फर्स्ट मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रॉन्स्की के बॉडी में सुपर सोल्जर दवा डालकर उसे हल्क को मारने के लिए तैयार किया गया था। वो कहता है कि वो एक अच्छा सोल्जर था और उसे लगा था कि वो दवा खाकर कैप्टन अमेरिका की तरह बन जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। पूरी दुनिया तो हल्क को हीरो मानती है और उसे विलन। वो कहता है कि उसे इंसाफ चाहिए। अब वो दिखाता है कि उसने अपने हर दुश्मन को सॉरी लेटर लिखे हैं। जैन कहती है कि उसे ये केस लड़ना चाहिए या नहीं, ये सोचने के लिए उसे थोड़ा और वक्त चाहिए, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर पहुँच कर जैन ब्रूस को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है। ब्रूस जैन से कहता है कि उसे ये केस लड़ना चाहिए और उसके मन में ब्रॉन्स्की के प्रति कोई खटास नहीं है। वो जैन को बताता है कि उसे ब्रॉन्स्की का सॉरी वाला लेटर मिला था। अब ब्रूस जैन से पूछता है कि पब्लिक ने उसे क्या नाम दिया है। वह बताती है शी हल्क। यह सुनकर ब्रूस बहुत हंसता है और कहता है कि ये अच्छा नाम है, और उसे संभल कर रहने को कहता है। तभी हमें पता चलता है कि ब्रूस स्पेस में स्पेस शिप के अंदर है और वो कहीं जा रहा होता है। तभी फोन कट हो जाता है। अब जैन हॉलवे को कॉल करती है और कहती है कि वो ये जॉब करेगी और ब्रॉन्स्की का केस भी लड़ेगी। मिस्टर हॉलवे जैन को कहता है कि उसे टीवी में न्यूज देखनी चाहिए, और जैसे ही वो टीवी ऑन करती है उसमें दिखाया जाता है कि ब्रॉन्स्की एबोमिनेशन के रूप में बदल चुका है और जेल तोड़कर भाग जाता है। और यहीं दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है और जैन के सामने नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब क्या जैन अपनी जॉब बचा पाएगी? क्या वो ब्रॉन्स्की को निर्दोष साबित कर पाएगी? ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए अगले